तो नमस्कार भाइयों और भाइयों की भौजाइयों, स्वागत है आपका आज के इस घमासान मुकाबले में, जहां एक तरफ है हमेशा की तरह भारत और दूसरी तरफ है लंबे बच्चे पैदा करने वाला देश वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज ने आज टॉस जीतकर किया है पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। शायद वो अपने सारे खूंखार फास्ट बॉलर्स को देना चाहते हैं नई बॉल का फायदा। अरे भाई क्या बॉल करा रहा है यार, थोड़ा ठीक से करा ना यार, कैसे बॉल करा रहा है? अच्छा बेटा की बार ऐसी बॉल कराऊंगा ना तो क्या आउट ही हो जाएगा। चल करा, तेरा बाप कड़ा था। अरे हाँ आज तो तुझे हम हरा के रहेंगे, और तू कैंटीन के समोसे खिलाने मत भूलियो, वो भी बड़े वाले। आउट 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 है, कुछ आउट नहीं है, बेईमानी कर रहे हो तुम लोग, दोबारा बॉल कराओ, मैं नहीं खेलना ऐसे। अबे पागल है क्या, आउट हो गया तू, कॉपी इधर से चल, अब मेरी बारी है। अबे ओ पहली बॉल ना ट्रायल बॉल होती है, और तू इस बार भाग के बॉल कर रही हो, चल दोबारा करा। मैं नहीं खेल रहा था, तू हमेशा ऐसे ही करता है। चलो भाई चलो घर चलो, हम नहीं खेलेंगे इसके साथ। अरे यार बस लास्ट बॉल है, प्लीज एक बार करा ना यार, बस लास्ट चांस है इस बार, प्लीज करवा ना यार। अरे 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 रुको रुको, चलो एक और मौका दे देते हैं इसे, अपना ही लड़का है, समोसे खिलाएगा हारेगा तो, वो भी बड़े वाले। ओए रुक रुक रुक, कहाँ जा रहे है? वहीं रुक। बेटा बैट बॉल तो बहुत अच्छे खेलते हो, लगता है धोनी के बाद तुम ही आते हो। सर सॉरी सर। बेटा भाग कहाँ रहा था, बड़ा भगोड़ा है, स्कूल की रेस में तो तेरे से भागा नहीं जाता। ये क्या चल रहा है बाहर, लगता है मिलन सर मोनिस की वाट लगा रहे हैं, यही मौका है सर की नजर में नंबर वन आने का। हे सुनो सुनो, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, दिख नहीं रहा देखो, बात कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अबे बात तो स्कूल के बाद भी कर लेना, अभी बाहर चलो मेरे साथ, काम है। अरे बात तो बताओ, हुआ क्या है, क्यों जाना बाहर? बाहर चलो बहती गंगा में हाथ धोते हैं। तू भी बात भी बताएगा कि तुझे धोए हम, फिर चलना बाहर, हम भी चलते हैं ना, मिलन सर ना पॉलिस की वाट लगा रहे हैं, चल हम लोग भी चलते हैं और नंबर वन आते हैं। तो पढ़ियो लिखियो मत, बस ऐसे ही नंबर बनेंगे। अरे चल मेरी माँ, ए भाई समझाना यार, चलते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वैसे तू बताएगा तू कर क्या रहा था? सर जी वो क्या है ना, उसने बॉल ही नीचे से कराई थी तो शॉट थोड़ा तेज लग गया सर, सॉरी सर, आपको कहीं लगी तो नहीं ना? ये सुनो देखो कैसे बातें बना रहा है। मुझे लगी या ना लगी वो बात छोड़, मैं तेरे से लस्सी मंगाई थी, वो लाया क्या? सर भी कम नहीं है, भूखा है लालची कहीं का। सर जी आपके बाप को नौकर थोड़ी हूँ मैं, जो आपके लिए लस्सी लेके आऊंगा। ओ सर जी आपका तो बेइज्जती हो गई। ओए तू चुप, और तू इधर आ कान ला। अरे मान जाना यार, बड़ी बेइज्जती हो रही है, टीचर हूँ समझा कर। क्या बात कर रहे हो सर, एक लस्सी के चक्कर में आपके बेटे से शादी करूँगा, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। अबे यार सर की ना बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, मुझे तो हजम ही नहीं हो रहा। सही हुआ सर के साथ, अब सारी स्कूल में पता चल जाएगा कि सर एक। सही कह रहे तू भाई, एक काम कर क्लास में चल और अपने नंबर बना ले। नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते, और तू तेरे को तो मैं क्लास में बताता हूँ, तू चल।
बड़े बदतमीज हो गए हो, और इसको देखो ये मेरे बेटी से शादी करेगा। सर जी पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर जी वैसे भी वो नहीं करेगा तो मैं कर लूंगा, वैसे भी बचपन से शौक था दूल्हा बनने का। चुप हो जाओ दोनों को दोनों। और तू तू तो थोड़ी देर पहले मुझे बाहर मिला था, क्लास में कैसे आ गए? अरे सर ऐसे ही आ गया। चुप होकर बैठ जाओ दोनों के दोनों। क्या है ना सर, उसको पढ़ना लिखना तो है नहीं, आ जाता है नंबर बढ़ाने। क्यों सद्दाम? हाँ सही बोल रही है तू, इन लोग वैसा ही है। और तू क्लास से बाहर निकल और मुर्गा बन जा। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन सर ने उसे मुर्गा क्यों बनाया? अरे तुझे क्या पता, मैं बताती हूँ उसे मुर्गा क्यों बनाया। सर तो वैसे ही लालची हैं, सबसे खाने का मांगते रहते हैं। उससे भी कुछ मांगा होगा, उसने नहीं खाने का दिया तो उसे मुर्गा बना दिया। तो बच्चों सुनो सब, अबे ओ हरामखोरो, तुम बच्चे में नहीं आते हो क्या? और तो और इस क्रिसमस पार्टी में डांस होगा, खाना होगा, डेकोरेशन होगा, और आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। सर कपड़े बंदे पहनकर आने हैं दिन, और बैग लेकर आना है या नहीं? चुप एकदम, तू ना मुर्गे के कपड़े ही पहन के आई हो, तू उसी के लायक है, चल निकल बाहर। सर हमें क्रिसमस पार्टी में क्या पहन के आना है? अच्छा बैठ जाओ बेटा, अभी तुमसे बात करता हूँ। तो इतना मेकअप करके आऊंगी, इतना मेकअप करके आऊंगी कि सबको दीवाना कर दूंगी। ओ हेलो, ये स्कूल का फंक्शन है, तुम्हारे घर की शादी नहीं। ओ हेलो ड्रामा क्वींस, और तुम मेकअप की दुकान, तुम तीनों ना एक काम करो, सांता बन के आ जाओ, बहुत मजा आएगा। शांत हो जाओ सारे के सारे, अब मैं जा रहा हूँ स्टाफ रूम, मॉनिटर को भेजूंगा, सब पैसा जमा कर देना। फाइनली गया वो लालची टीचर, फिर उसकी जान से क्या फर्क पड़ता है, और उस मॉनिटर आ रही है चिंता। अरे यार 30 रुपए कहाँ से आएंगे, 30 रुपए में तो हम मार्केट जाके शॉपिंग भी करके आ जाते हैं। 10, 20, 30 कहाँ से लाएंगे 30 रुपए? हाँ यार बॉडी भी देख रहा है मैं, अगर अपनी किडनी भी बेची ना तो 5 रुपए में बिकेगी। यार भाई दुखी मत हो यार, मैं हूँ तेरे लिए भाई, तू खा पी यार, जूस पी, 30 रुपए 30 रुपए मैं जुगाड़ कर दूंगा तुम्हारे लिए यार, बस तू खा पी यार, ध्यान रख अपना, समझा? चलो पैसे निकालो। नहीं पैसे, 30 रुपए सुना नहीं था क्या? जब सर बता रहे थे तो तुम्हारा ध्यान किधर था? 30 रुपए 30 रुपए में तो मेरा आईलाइनर आ जाता यार। रोने की क्या बात है, मेरे से ले लियो, वैसे भी मेरा पुराना हो गया है। ओ आईलाइनर, चलो 30 रुपए निकालो, और तू भी निकाल। ओ हेलो भाई, पैसे निकालो। सुनो भाई मत बोलो, दिल पे लगती है, बेशक 100 रुपए ले लो। ओ बहन के भाई, जितने पैसे मांगे ना उतने ही निकाल, चल 30 रुपए निकाल। हाँ रुक जाओ दे रहा हूँ, ले। बच्चों मुझे तुमको बहुत ही बड़ी दुख की बात बतानी है, हमारे जो प्रिंसिपल सर है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका तबीयत बहुत ख़राब है। प्रिंसिपल सर की तबीयत खराब है, हम पार्टी इस साल नहीं तो क्या अगले साल कर लेंगे। सर वो सब तो ठीक है, मेरा 30 रुपए मिलेगा कि नहीं? अरे भाई तुम 30 रुपए के पीछे क्यों पड़े हो, हमारा प्रिंसिपल सर का तबीयत खराब है, तुम्हारे 30 रुपए मैं वापस कर देगा। बच्चों आप सभी का धन्यवाद, और मैं भी चलता हूँ हॉस्पिटल प्रिंसिपल सर को मिलने के लिए।
बात सुन लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हाँ बोल, क्या बात है भाई? स्कूल में हो रही है क्रिसमस पार्टी और मॉनिटर गई है क्लास वालों से पैसे ले लें और टीचर गए हैं स्टाफ रूम में। हाँ तो हम क्या करें? हमें कौन सा पार्टी में जाना है, हमें तो वैसे ही बाहर ही रहना है क्लास रूम से। अबे मुद्दे की बात पे आओ, मॉनिटर गई है पैसे ले लें और हम गरीब, हमारे पास एक रुपया भी नहीं है। हाँ तू क्या कहना चाहता है, हम उसके पैसे छीन ले? हाँ नहीं तो क्या, पैसे छीनेंगे पार्टी करेंगे मस्त। अबे तू पागल हो गया है क्या, मरवाएगा क्या? अबे तू पागल हो गया क्या, मेरी मम्मी मुझे मारेगी घर पे पिछवाड़े पे, वो भी नंगा करके। अरे तुम दोनों चिंता क्यों कर रहे हो, अपना भाई है ना अपने साथ में। अरे हाँ तुम्हारा भाई सब देख लेगा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो। क्या है? और तुम लोग कोई काम वाम नहीं है क्या? हम जहाँ भी रहे तो इससे क्या मतलब? हाँ ये तो बता दे तो अंदर से कितने पैसे ले। तुझे उससे क्या मतलब, हमें कितना मिले क्या? ए बहन कितने पैसे लेके आई है हमें भी बता दे, हम भी तो जाने। पूरे 300 रुपए है, अब इससे होगा क्लास का पार्टी। 300 रुपए लाभ, जल्दी की जल्दी हमें दे दे। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये स्कूल का पैसा है, मेरा नहीं। स्कूल का पैसा था, अब ये हमारा पैसा है। ये बात बोलियो, स्कूल के बाद तो इतनी बाप किसके साथ जाती है? वीडियो बना रखी है तेरी, तेरे भाई को दिखा देंगे। नहीं नहीं यार, मेरे भैया को मत बताना, ये लो पैसे। ओए कहाँ जा रहे हो, ओए रुको। अबे मैं कुत्ता थोड़ी हूँ जो हर जगह देख के दौड़ने लगते हो, काट वाट लूंगा क्या तुमको? ओए तू अभी भी मुर्गा बना हुआ है, चल खड़ा हो जा। अरे सर हम तो आपके पास ही आ रहे थे। मेरे पास? मेरे पास क्यों आ रहे थे, मेरे इतने बुरा दिन आ गया क्या जो तुम लोग सब मेरे पास आ रहे हो? अरे सर वो क्या है ना, हम आपको पैसे देने आ रहे थे। पैसे? तुम मॉनिटर तो नहीं हो, तुम क्यों पैसे देने आ रहे थे? अरे मास्टर जी इतना सवाल क्यों करते हो, हमें भी थोड़ा मौका दो इंफ्लुएंस करने का। अरे सर हमें भी तो कभी ना कभी मॉनिटर बनना है ना। अच्छा मैं बनाऊंगा तुमको मॉनिटर। और सर शिल्पा मैडम जी क्या हाल चाल है? मतलब आप किताबों के पीछे इनका नाम लिखते हो, क्या उन्हें बता दें? तुम सब तो मेरे प्यारे बच्चे हो, मैं मॉनिटर तो तुमको ही बनाऊंगा। इतने अच्छे बच्चे हो, इतने प्यारे बच्चे हो, तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? सर जी पैसे तो ये रहे, पर अब इसका करना क्या है? अरे क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। तुम लोग का दिमाग सकिया तो नहीं गया, ये स्कूल का पैसा है, नौकरी से छुड़वाओगे क्या? सर आपकी नौकरी चली जा रही है, मैंने आपके साथ। सर देखो अब आपको करना क्या है वो अब हम बताएंगे। ठीक है बताओ। आपको बस इतना बोलना है कि प्रिंसिपल सर हो गए हैं स्कूल में बीमार और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। आइडिया तो सही लग रहा है तुम्हारा, चलो ठीक है मैं बोल रहा हूँ। क्यों सर जो बोला था वो काम हो गया ना? चलो सर जो डील हुई थी पैसे बांटने की शुरू करें। अरे हाँ हाँ शुरू करो। सर हैप्पी क्रिसमस। अरे बच्चों हैप्पी क्रिसमस। Hey everyone, this is Side Rockies. I'm the founder and CEO of Celebrity Phase India. And guys, बहुत best opportunity आप सभी के लिए अपनी acting career start करने के लिए। Celebrity Phase के back to back new web series आ रही है, school के best days आ चुका है, father and son की story आ रही है, मेरी ex एक already running है, 3-4 और web series में हम काम कर रहे हैं और उन सब पे आपको opportunity मिल सकती है काम करने की। यहाँ पे आपको day one से ही हम acting कैमरे के सामने खड़ा कर देते हैं कि आप जाके परफॉर्म करो, बिकॉज डायरेक्टली जब आप परफॉर्म करते हो तभी हम सीख सकते हैं अपनी लर्निंग, मिस्टेक्स और सारी चीज़ें। हम थियोरेटिकल पे काम नहीं करते,
हम सिर्फ और सिर्फ काम करते हैं प्रैक्टिकल में। सो अगर जो आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, एक्टिंग में आना है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्टली जंप करो एक्टिंग में, स्टार्ट करो सर डायरेक्टली वेब सीरीज से। फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर अपनी डिटेल्स भेजो और सेलिब्रिटी फेस की टीम से कनेक्ट हो जाओ। मिलते हैं सेलिब्रिटी फेस की नेक्स्ट वेब सीरीज में। ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू ऑल, थैंक यू।